हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा वृत्ति से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, हमारी दो मुहिम सबसे बड़ी हैं जो शिक्षा वृत्ति से जुड़ी हुई हैं। एक है आपकी नियम अनुसार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, दूसरी है पदों में वृद्धि हो जाए। दोस्तों, ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात करें, कल मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि सर, DPI और जनजाति विभाग सेम आपकी लिस्ट रिपीट कर रहे हैं और सेकेंड काउंसलिंग होगी तब जाकर वो इसमें संशोधन करेंगे और सेकेंड काउंसलिंग में वो नाम रहेंगे जो कि आपके वेटिंग लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में नहीं है, उनकी संभावना वहाँ पर बन जाती है। लेकिन फर्स्ट राउंड की हम बात करें तो सेम नाम रिपीट किए गए हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सबके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे क्योंकि अधिकांशतः लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूर्णतः सही हैं, तो उनका नाम चयन सूची में आ जाएगा। जब चयन सूची के बाद उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा और उसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो जनजाति विभाग की बात करूं और चाहे मैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, यानी कि नियुक्ता की सूची जहां से ज्वाइनिंग लेटर इशू होना है, तब जाकर ये मैटर हटेगा और सेकंड काउंसलिंग जो आपकी अगस्त में शुरू होगी जनजाति विभाग में, उसमें जाकर वेटिंग वालों के नाम क्लियर होंगे और साथ में जो वेटिंग में नहीं है उनकी भी संभावना वहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि यदि पोस्टें बचती हैं तो फिर संभावना बन जाती है। तो इस प्रोसेस में दोस्तों बहुत समय लगना है, आप स्वयं जान रहे हो, वैसे भी काफ़ी समय लग चुका है। वर्ग एक और वर्ग दो की फर्स्ट काउंसलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और 2018 की भर्ती है। बहुत से लोगों का मैसेज आया कि सर, इस बात को भी आप सोशल मीडिया के द्वारा सभी तक पहुंचाएं, जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उन सब तक ये बात पहुँचाएँ। और साथ में बहुत से लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं दोस्तों, चाहे भोपाल में ज्ञापन दें, वो अपनी तरफ से बिल्कुल इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि हम ज्वाइनिंग की बात करें, चाहे वर्ग एक वर्ग दो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और चाहे बात करें हम जनजाति विभाग की, सोशल मीडिया से उस मुहिम को भी हमें सपोर्ट करना है। जमीनी स्तर पर जो ज्ञापन दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी के पास इस बात को पहुँचाएंगे, साथ में हम सोशल मीडिया से भी इसका सपोर्ट करेंगे। तो ये हमें एक करना है। दूसरा ये है कि पोस्टें बहुत खाली हैं दोस्तों। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर, वर्ग एक में तो पोस्टें काफ़ी हैं, वर्ग दो की मुहिम चलाएं। यहाँ पर वर्ग एक और वर्ग दो की बात नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि 2011 के बाद जो एग्ज़ाम हुए थे, 2013 में भर्ती हुई थी, उसके बाद अब भर्ती हो रही है, अभी एग्ज़ाम हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर जाएंगे, काफ़ी पोस्टें खाली सो रही हैं वर्ग एक और वर्ग दो की, उससे आधी पोस्टों पर भी भर्ती नहीं निकली है, ये आप ध्यान रखें। आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे वर्ग एक वर्ग दो 2018 के में, उसमें साफ लिखा है पोस्टों में वृद्धि की जा सकती है, पदों में वृद्धि की जा सकती है। और इसी को लेकर हम हर शनिवार को सभी के पास आपकी निवेदन करते हैं, सभी के पास ये आपकी सूचना पहुँचाते हैं कि पोस्टें काफ़ी खाली हैं, उन्हें इस भर्ती में जोड़ा जाए, जिससे कि जिनके नंबर अच्छे आए हैं वो या तो वेटिंग में आ गए हैं या वेटिंग से भी बाहर हो गए हैं, उनको भी वहाँ पर चांस मिल जाएगा। क्योंकि कोई एग्जाम का एक ही मकसद होता है कि जो बेस्ट स्कोरर है उसे टीचिंग फील्ड से जोड़ा जाए। अब बेस्ट स्कोरर क्या हो गया, आप ही बताएं मुझे। जो 110 नंबर लेके आया है, 115 लेके आया है, 120 लेकर आया है, क्या उसके नंबर अच्छे नहीं है। यदि पदों में वृद्धि कर दी जाए तो ऐसे शिक्षक एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल सकते हैं। और यहाँ पर बात करें, आपके जनजाति विभाग हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, दोनों में ही पोस्टें खाली हैं, तो उन्हें यदि इंक्लूड किया जाए नियम अनुसार, क्योंकि नियम आपके नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, और पदों की जो संख्या खाली है दोस्तों वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर दर्शाई गई है, उसी को लेकर कल मांग करनी है दोस्तों। शनिवार, हर शनिवार को मांग करते हैं पदों में वृद्धि के लिए, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिससे कि मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँ, सिर्फ 120 मिनट। 120 मिनट में आप जितना ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं, मेरी पोस्ट को भी रीट्वीट कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों आपको मेरे ट्विटर अकाउंट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, इस मुहिम से, कि हमारी पदों में वृद्धि होनी चाहिए, उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी। आप जैसे लोगों का समर्थन, आपसे जुड़े जनरल चैनलों का समर्थन, इस बात को बल मिलेगा कि हमारी पदों में वृद्धि होनी चाहिए।
कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि पोस्टें भी खाली हैं, नियम भी है नोटिफिकेशन में, और बहुत से लोग अच्छे नंबर लेकर भी आए हैं, सिर्फ बाहर इसलिए हो गए हैं कि उनके सब्जेक्ट की पोस्टें कम हैं। तो वही हमें प्रयास करना है दोस्तों। साथ में आपके वर्ग एक और वर्ग दो की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि यदि जनजाति विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपीट आपके नाम डालते रहेंगे तो उससे समय ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर है कि एक ऑप्शन बना दिया जाए, उसमें या तो आप जनजाति विभाग स्वीकृत कर लें, या फिर हो सके तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट स्वीकृत कर लें, दोनों में से एक को आप ऑप्शन स्वीकृत कर लें और उसमें ज्वाइनिंग कर लें। तो इससे वेटिंग वालों की वेटिंग जल्दी क्लियर होगी, और लोगों की भी जो वेटिंग में नहीं है उन्हें लग रहा है कि हमारा नाम आ सकता है तो उनकी भी, तो इसके लिए भी हमें अब डिमांड करनी है दोस्तों, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दोनों ही जो मुहिम है उन्हें आपको समर्थन करना है दोस्तों, एक साथ प्रयास करना है, और हमें सफलता जरूर मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, और हम प्रयास इसी उम्मीद के साथ करेंगे। तो एक अपील है दोस्तों, दोनों मुहिम को हमें सपोर्ट करना है, और कल शनिवार है तो पदों में वृद्धि के लिए आप जितने लोगों को जोड़ सकें, जितने लोगों को इस बात के लिए आप प्रयासरत कर सकें कि हमारे पदों में वृद्धि होनी चाहिए, उतनी ही हमें इस मुहिम में बल मिलेगी, और हर शनिवार को ये मुहिम जारी रहेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।